हेलो, चलिए कुछ आज डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सम फ्रॉम द टॉपिक विच वी नो इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री. और हम सम सॉल्व कर रहे हैं टू प्रूफ का. मतलब हमें पता है टू प्रूफ सम जब भी हम सॉल्व करते हैं हमें हमेशा क्या यूज करना होता है. यस, हमें यूज करना होता है तीन आइडेंटिटीज एंड फाइव रिलेशंस. मतलब अगर ये हमें आ गया तो हम इस टू प्रूफ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और ये आपने इससे पहले जो वीडियोस है उसमें भी देखा होगा. नहीं देखा है तो जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा टू प्रूफ सम्स को हम अप्रोच कैसे करते हैं. अब ये टू प्रूफ सम है. अब इस टू प्रूफ सम को देखिए. इस टू प्रूफ सम में सबसे पहला स्टेप हमें होता है कोई भी टू प्रूफ सम में कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे कि राइट हैंड साइड. अब इसे देखिए और आप मुझे बताइए, लेट मी नो विच साइड आर वी गोइंग टू सेलेक्ट. बहुत इजी है, देख के बताइए. यस, यू आर वेरी करेक्ट यार. इट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सेलेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो सिर्फ वन है. दैट मींस ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करें. लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे मतलब हमारा सम स्टार्ट होगा एल एच एस से. तो हम लिखेंगे पहले एल एच एस. तो हमने लिख लिया एल एच एस. एल एच एस क्या है वो लिख लेते हैं. सेक थीटा इन टू ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा. ये हमारा एल एच एस है. अब इस एल एच एस को सॉल्व करते हैं. ओके, अभी एक चीज याद रखें, हम जब भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो किस लिए सॉल्व करते हैं? सो दैट उसे सॉल्व करके इक्वल टू हम राइट हैंड साइड बता सके. मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते समय उस पर ध्यान दीजिए सो दैट आप राइट हैंड साइड पे ध्यान देते रहो, राइट हैंड साइड देखते रहो क्या है और उसके हिसाब से वो सॉल्व करते रहे. ओके, अब यहां पर सबसे पहला चीज है इस लेफ्ट हैंड साइड में है, पहला क्या दिया है? सेक थीटा. आप बोलोगे सेक थीटा तो सेकेंडरी रेशियो है, तो हमें पता है सेकेंडरी रेशियो को हम पहले क्या लिखेंगे? प्राइमरी रेशियो में. तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे? यू वेरी करेक्ट, वी आर गोइंग टू राइट इट एज वन अपॉन कॉस थीटा, दैट इज द रिलेशन. तो आपने बोला बहुत सही है, लिख देते हैं. तो हम स्टार्ट में लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा है. इसको तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइमरी रेशियो ही है, तो उसे ऐसे लिख दीजिए. इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट देखिए, वहां पे क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा. अब बोलोगे दोनों भी सेकेंडरी रेशियो है, तो पहले क्या करेंगे? उसे प्राइमरी रेशियो में लिखेंगे. सो सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? रेडी पता है, वी राइट इट एज वन अपॉन कॉस थीटा. टैन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. फिर से रिलेशन तो लिखते हैं वन अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ब्यूटिफुल इजंट इट? यस, वी गॉट दैट. चलिए अभी देखते हैं अभी इसे सॉल्व कैसे करें. अभी ब्रैकेट जो है उसके बाहर देखिए क्या दिया है, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू, उनके बीच में है मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन. तो वन अपॉन कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा. तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो वन इंटू वन माइनस साइन थीटा क्या होगा? वन माइनस साइन थीटा. दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा आएगा. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? कॉस थीटा इंटू, इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर है वन, तो कॉस थीटा इंटू वन इज नथिंग बट कॉस थीटा. वेरी गुड, सुपर. तो ये तो अभी हमें ब्रैकेट के बाहर हमने सिंप्लीफाई किया. अब ब्रैकेट में देखते हैं. अब इस ब्रैकेट में जब आप देखोगे आप बोलोगे इन दोनों को ऐड करना है, बट आर द डिनोमिनेटर सेम? यस, द डिनोमिनेटर द सेम. दैट मींस हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. तो क्या मिलेगा यहां पे हमें मिलेगा इनटू, लिख के यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन होगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सुपर्ब. नाउ टेल मी, वाज दिस इजी? यस, इट इज सो इजी, सो सिंपल, इजंट इट? यस, ब्यूटिफुल. तो चलिए अभी देखते हैं. अभी हमारे पास दो फ्रैक्शंस है और दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. ओके, मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है क्या करना होता है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई. सो व्हाट डू वी गेट? वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा. सुपर. एंड डिनोमिनेटर में होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. सुपर, इजंट दैट इजी?
वाओ वेरी गुड। चलिए अभी इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इस न्यूमरेटर को चेक कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब चेक कीजिए और मुझे बताइए ये किस फॉर्म में है। सोचिए सोचिए सोचिए, एक्सप्रेशन को देखिए, दोनों में फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। मतलब आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में है, एंड वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना, इट इज एन एलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, दैट मींस 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो अभी हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। याद रखिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं सो दैट हमें राइट हैंड साइड मिले। सो लेफ्ट हैंड साइड को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके चलिए हमारे पास है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट वी हैव, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। तो याद रखना हमें राइट हैंड साइड क्या चाहिए, 1। तो यहां पे अगर इसे सॉल्व करके 1 चाहिए, दैट मींस यू आर सेइंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट होना चाहिए, ओके वेरी गुड। अब सोचिए आप बोलोगे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में भी हम कॉस स्क्वायर थीटा ला सकते हैं क्या, मैंने आपको हिंट दे दिया है। सोचिए सोचिए सोचिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे हाँ हाँ फर्स्ट आइडेंटिटी में आता है, वेरी गुड फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से मुझे ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा को हम जब यहां पे शिफ्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। ब्यूटीफुल, दैट मींस यहां पे हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हमें मिलेगा। ये कहां से मिला, फर्स्ट आइडेंटिटी में से हमें मिला, और ये जो है दिस विल बी द रीजन फॉर व्हाट, जहां पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। सुपर, बट याद रखना जब हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमें रीजन में लिखना जरूर। सो वी रोट इट एज अ रीजन। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, विल से इट विल गेट कैंसिल्ड एंड दैट इज इक्वल टू 1। सुपर, और आपका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज 1, दैट मींस हमने बोला दैट दिस वी हैव सॉल्वड एंड वी हैव गॉट इट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, हो गया। इट वाज सो सिंपल, वेरी इजी, इजंट इट। बट ये समझ के करना है, हर स्टेप हम क्यों कर रहे हैं ये समझो। ये आपने ही बोला और हमने, मैंने तो सिर्फ लिखा है, तो आपको आ गया ये, वेरी ऑब्वियस वेरी सिंपल। बट इज द सम ओवर, नो, यू नो वन मोर स्टेप, यू नीड टू री राइट द क्वेश्चन, फिर से उस क्वेश्चन को लिखिए, बिकॉज वो हमने प्रूव किया है। तो लिखिए वहां पे हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया दैट sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर दिया है और हमारा प्रूफ इज डन। नाउ टेल मी वाजंट दैट इजी, वेरी 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 इजी, इजंट इट सुपर्ब। तो आपको ये समझ गया है, खुद आपने किया है, बट इसे फिर से लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सो आप जब लिख के खुद करोगे, खुद समझोगे, खुद लिखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके के सम सॉल्व करने। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट। सो यू हैव लाइक द सम, you do the sum, practice the sum, and do like the video, share the video, and subscribe to the channel, and I'll meet you in the next video with an interesting sum. Till then, keep learning, keep smiling.